अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वही आज से मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन राम मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन को श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ देर के लिए दर्शन रोकना भी पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी मंगलवार को 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और उतनी ही संख्या में श्रद्धालु बाहर दर्शन के इंतजार में खड़े। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अयोध्या राम मंदिर में देश के सबसे अधिक श्रद्धालु आने को तैयार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना 1 लाख से अधिक लोग रामलला के दर्शन को आएंगे। लेकिन पहले दिन ही इससे काफी अधिक संख्या में लोग जमा हो गए। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक अयोध्या में हर साल लगभग 5 करोड़ यात्री आएंगे। जेफरीज के मुताबिक अयोध्या अब देश का नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ देसी और विदेशी दोनों ही तरह के पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे, जिसे यूपी सरकार के खजाने में करीब 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स आएगा। लेकिन टूरिज्म सेक्टर के जानकार मानते हैं कि जिस तरह का क्रेज अयोध्या के लिए है, ऐसे में वहां सालाना 8 से 10 करोड़ यात्री आ सकते हैं। ऐसे में अयोध्या देश का ऐसा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है जहां सबसे अधिक श्रद्धालु जाएंगे। बता दें कि तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा और वैष्णो देवी में सबसे अधिक तीर्थयात्री पहुंचते हैं। जैसे वैष्णो देवी में इस साल 95 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है। वही तिरुपति में भी हर दिन 40 से 75 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन अयोध्या में एक तो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर की स्थापना हुई है, दूसरी तरफ सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर 7-स्टार टाउनशिप तक की सुविधा अयोध्या में दी। ऐसे में अयोध्या न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी श्रद्धालुओं के लिहाज से सबसे बड़ा तीर्थस्थल साबित हो सकता है। बता दें कि मुस्लिमों के पवित्रतम स्थल मक्का में सालाना लगभग 2 करोड़ लोग हज करने पहुँचते हैं। वही अयोध्या में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के सालाना पहुँचने की उम्मीद है। तीर्थयात्रियों का अनुभव बेहतर हो, इसके लिए सरकार अयोध्या में पानी की तरह पैसे बहा रही है। अयोध्या में विकास कार्य में अब तक करीब 83,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन पैसों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप बनाने के साथ साथ सड़कों के विस्तार और चौड़ीकरण में भी काफी काम किया गया है। कहा जा रहा है कि अयोध्या भारत के टूरिज्म के लिए बूस्टर की तरह काम करेगा। राम मंदिर में आज की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि अयोध्या भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थस्थल बनकर उभर रहा है। लेकिन साथ ही इतनी भीड़ को नियंत्रित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।